दोस्तों, मेरे एक पाकिस्तानी मित्र का मेरे पास एक कॉल आया और बोला कि हमारे पास आतंकवादी है, हमारे पास ISI है, हमारे पास मानव बम है, तुम्हारे पास क्या है हिंदुस्तानियों, क्या है तुम्हारे पास? तो मैंने उसे बोला कि हमारे पास है बाहुबली। जी हाँ, हमारे पास है बाहुबली, जिसका नाम सुनते ही पूरे पाकिस्तान में मच जाती है खलबली। ये कोई फिल्मी बाहुबली प्रभास नहीं है, ना ही पॉलिटिकली बाहुबली मोदी जी हैं। ये बाहुबली है हमारा GSLV Mark 3, जिसने कल ही चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है और आने वाले समय में बहुत से बड़े बड़े मिशन लॉन्च करेगा। तो इस सफलतापूर्वक लॉन्चिंग पर सबसे पहले तो हमारे इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, तालियां। इतना सुनते ही वो पाकिस्तानी घबरा गया, मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। बोला बोला तुम सारा कश्मीर ले लो, सारा कश्मीर ले लो, बदले में हमें ये बाहुबली दे दो, बदले में हमें ये बाहुबली दे दो। मैंने कहा पागल, तू क्या हमें कश्मीर देगा, वो तो वैसे ही हमारा है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है। जिस दिन हमारे मोदी जी का मगज सटक गया ना, उस दिन पाक अधिकृत कश्मीर को भी तुम हमें ऐसे लौटाओगे जैसे कि तुमने हमें अभिनंदन लौटाया था। और मान लो कि हमने अपना बाहुबली यानी कि GSLV Mark 3 तुम्हें दे भी दिया, तो तुम उसकी लॉन्चिंग कैसे करोगे? ऐसे? अरे भाई, तुम्हारी पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी यानी कि सुपार को तो सुपारी खाकर बस ऐसे ही रॉकेट को लॉन्च कर सकती है, और कुछ उसके बस की बात नहीं है। और थोड़ा जोर देने पर उस पाकिस्तानी भाई ने बेचारे ने अपना दर्द बयां कर ही दिया। बोला वो चांद पे जो बुढ़िया रहती है, अरे वही यूनिवर्सल बुढ़िया, चाहे कोई भी देश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, या पाश्चात्य कंट्री हो कोई भी, उसमें एक स्टोरी तो कॉमन रहती है कि उस मून पे एक बुढ़िया रहती है जो सुई काटती है या स्वेटर बुनती है, वो सबको दिखती है। तो उन लोगों को ये डर है कि कहीं हम उस यूनिवर्सल बुढ़िया की जगह अपनी हिंदुस्तानी बुढ़िया ना बैठा दें, और इससे भी बड़ा एक डर है उनको कि कहीं हम उस पाकिस्तानी चांद को हिंदुस्तानी चांद से रिप्लेस ही ना कर दें। रिप्लेस? सोचिए, वैसे आइडिया अच्छा है, बुरा नहीं कि जब हमारा मन करा कि भाई हमको आज लाहौर में गर्मी पैदा करनी है, तो हमने चांद को वहां से हटा ही लिया, अपने पास बुला लिया, और जब हमारा मन किया कि हमें लाहौर में दिन में चांद तारे दिखाने हैं, तो हमने दिन में चंदा मामा को भेज दिया। और तो और, जब बाहुबली का मन किया, हाथ ऊंचा किया, और जैसे बल्ब बदलते हैं वैसे चंद्रमा को बदलने लगा। कभी हाँ, इसकी लाइटिंग सही नहीं है, चेंज करो भाई, इधर से उठाया दूसरा फिक्स, अरे इसकी रेडनेस कम है, येलोनेस ज्यादा है, चेंज करो। आइडिया कैसा है दोस्तों? आपने एक गाना तो सुना ही होगा, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। जी हाँ, ये सपना भी अब साकार होने वाला है कि हम अपने वीकेंड पे जाएंगे चंदा मामा पे, और सोच रहा हूं अपने एक दो पाकिस्तानी भाइयों को भी ले जाऊं। अरे भाई, हम जो बियर के कैरेट्स वगैरह ले जाएंगे तो उनकी खाली बोतलों को उठाने के लिए भी कोई चाहिए होगा ना, और इसी बहाने वो भी रॉकेट में बैठ के मोजी खाने का मजा ले लेंगे, उनके देश में तो ये आने से रहा। और इसका एक फायदा और उनको मिलेगा, इसी बहाने पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सुधर जाएगी, क्या कहते हैं दोस्तों? जाते जाते एक बात और बोलना चाह रहा हूं, दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिनके झंडों में चांद है, पर केवल 3 या 4 देश ऐसे हैं जिनके झंडे चांद पे हैं, और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान उनमें से एक है।
दोबारा से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, और हाँ, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े।